हर हर महादेव। And at the moment with us, I think he's been waiting, Mr. Hemant Kamble of the MNS. Hemant Kamble sir, namaskar. Namaskar. How are you, sir? How are you? I am absolutely fine. What about you? Really and truly wonderful. Why can't I see Mr. Hemant Kamble? I can hear him. I can hear that wonderful voice of his, but why can't I see him? I am able to see him now. Right. So Hemant Kamble sir, ये जो जिस विषय के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्पेशली विद रिगार्ड टू आर फ्रेंड एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड जितेंद्र अवार्ड साहब, वो उठा करके कुछ मनुस्मृति का उन्होंने कोई पोस्टर फाड़ना चाहा, उसमें अम्बेडकर साहब की भी तस्वीर फट गई और बड़ा बखेड़ा उस पर खड़ा हो गया कुछ। हाउ डू यू सी इट? डू यू थिंक इट्स वर्थ डिस्कसिंग एट ऑल और डू यू थिंक वी शुड मूव ऑन? आप बताएं। नहीं, ये टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा। एक तो कैसे ना कि हर बात की हम बाल की खाल खींचने की जरूरत नहीं होती है। अभी जितेंद्र आवाड इतने तो समझदार है कि उन्हें किसकी तस्वीर फाड़नी है और किसकी प्रोटेस्ट करनी है। वो प्रोटेस्ट करने गए थे मनुस्मृति की, और मनुस्मृति का जो करिकुलम में इन्वॉल्व किया है या उसको इंक्लूड किया है उसकी, अब उनसे गलती से फट गया है। लेकिन एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने इस बात की तो ये करनी चाहिए थी कि भाई मैं क्या फाड़ रहा हूँ, कौन सी चीज को फाड़ रहा हूँ, किसका प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अब यही अगर दूसरे कोई करते तो जितेंद्र आवाड अब तक क्या कर चुके होते? तो कुछ हमारे मतलब कुछ पॉलिटिकल सर्कल में ऐसे लोग हैं जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिन्हें पब्लिसिटी की बहुत जरूरत होती है, और पब्लिसिटी के लिए वो किसी भी हद तक पहुंचते हैं, उसमें से एक जितेंद्र आवाड है। तो मैं नहीं समझता हूँ उनके बारे में कुछ मुझे बात करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू डिस्कस। So why should we waste our time on Jitendra Awad? तो हेमंत कामले साहब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे इस इलेक्शन जी, उसके बाद आपकी असली लड़ाई शुरू होगी। आपका जो असली मकसद है वो है महाराष्ट्र के लिए काम करना। महाराष्ट्र असेंबली विल बी द नेक्स्ट टारगेट। सो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी सर? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, राज ठाकरे साहब की असली प्रायोरिटीज तब सामने आएंगी और वो क्या होंगी उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। See, in Gudi Parwa rally, he already announced, Stakre sir, कि आप जो है विधानसभा की तैयारी शुरू कर दो जी। और आपको पता होगा कि जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कोकण रीजन से हमने वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर मिस्टर अभिजीत पानसे एज अवर कैंडिडेट फॉर कोकण रीजन। सो आप देखिए कि हमने तो हमारी तैयारी शुरू कर दी, फिर हमारे साथ कौन आता है, कौन हमारे साथ गठबंधन में आता है, ये सब हम बाद में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमने हमारी तैयारी शुरू कर दी है। तो आने वाले असेंबली इलेक्शन हो या ये एमएलसी के इलेक्शन हो, तो हम हर तरह से अब तैयारी में उतर चुके हैं। आपने बहुत हाईलाइट कर दिया प्रॉब्लम्स कोंकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपने कहा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग हैज फेल्ड वेयर कोंकण इज कंसर्न्ड। तो ये व्हाट न्यू थिंग्स आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस एंड कन्विंस द पीपल दैट अभिजीत फांसे जी को वोट मिलना चाहिए एंड वी आर द राइट पीपल हुम वी शुड वोट? सी प्रदीप जी, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में 3 बार शायद निरंजन डावखरी जी वहां से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आते हैं। क्या आपने कभी सुना है या कभी कोई पढ़ा है कि निरंजन डावखरी जी ने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई आवाज उठाई? एक बार एक इंसिडेंट मुझे बताइए। इतने सारे प्रॉब्लम्स का एजुकेशन सिस्टम में है, किस बारे में बात की? मैं अभी अभिजीत बांसे की जो ये है मैं गिनाता हूँ। स्कूल के बच्चों का जो बस्ते का जो वजन है वो कम करने के लिए जो काम किया है वो अभिजीत बांसे जी ने किया है। वो खुद एक मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनकी जो फिल्म है रेगे हो या उनकी एक वेब सीरीज भी बहुत पॉपुलर हो गई थी, उन्होंने जो भी सब्जेक्ट मतलब उस पर काम किया है वो बड़ी बारीकी से काम किया है। उनका जो उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में काम करने के लिए, एंड मिस्टर राज ठाकरे सिलेक्टेड वेरी क्लेवरली द कैंडिडेट फॉर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वी आर मूविंग विद हिम जी। हेमंत जी, आज के पूरे टॉपिक आज है कि मोदी जी तपस्या किस प्रकार से कर रहे हैं,
the India Alliance went and complained to Election Commission, वहाँ से कुछ हुआ नहीं है. फिर इंडिया अलायंस ने कहा एटलीस्ट प्रेस कवरेज रोक दो, जो मोदी जी की तपस्या है, इट विल इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस दैट इज गोइंग टू हैपन द सेवंथ फेज. तो क्या मोदी जी के तपस्या इतना ऑपोजिशन के लिए तकलीफ होना चाहिए? हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? मोदी जी इज ऑलवेज बीन डूइंग इट, प्रतापगढ़ 2014, 2019 केदारनाथ और अभी कन्याकुमारी. हाउ डू यू सी द एंटायर एपिसोड, इंडिया अलायंस का रिएक्शन और मोदी जी की तपस्या? पिछले दो महीनों से जो एग्जॉस्ट हो गए थे मोदी जी, शायद वो तपस्या करने गए होंगे. तो उसमें इतना ऑब्जेक्ट कर रहे, अब मोदी जी तपस्या कर रहे, इसका मतलब वो कोई मतलब ब्रह्मास्त्र तो मांग नहीं रहे ब्रह्मा जी से. उनको तपस्या करनी है तो कर ले दीजिए. इंडिया अब अभी देखिए इलेक्शन का जो आखिरी दौर है, कल इलेक्शन होगा तो खत्म हो गया, तो आपको उसकी जरूरत क्या है? और सेकेंड थिंग, मीडिया कवरेज रोकना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि किस तरह से किसको कवरेज मिल रहा है, कि कौन से पब्लिक स्टंट है, क्या है, उसको बाइफर्केट करना और उसको उस पर एक्शन लेना या उसके ऊपर जो भी टीका टिप्पणी करना, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है. मुझे लगता है कि जो भी बुनियादी जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग डिस्कस करें. उस पर ये जो पिछले 10 सालों में अपोजिशन जो एक कारगर जो सिद्ध नहीं हो रहा ना, इसका कारण ही है. इनको जिन मामलों पर इनको बात करनी चाहिए उन मामलों पर बात नहीं करते. ये सावरकर जी के बात करेंगे, ये दूसरे मुद्दे पर बात करते. आप असली मुद्दे पर आइए और असली मुद्दे पर घेर लीजिए. अब देखिए 2014 से लेकर 24 ये दो टर्म तो मिल गए मोदी जी को, तीसरी टर्म के लिए जा रहे हैं. और मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ कि पिछले 30 साल की राजनीति ऐसी है कि तीसरी टर्म किसको मिलती नहीं है. तो मोदी जी को तीसरी टर्म आपको देनी नहीं चाहिए, तो आपको यूनाइटेडली काम करना चाहिए था. तो इंडिया जो आघाड़ी जो भी है उनको मुझे लगता है बुनियादी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए थे, ना कि मोदी जी क्या ध्यान लगाते हैं या मोदी जी और कहाँ पर क्या करते हैं. ये अपोजिशन को थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है. हेमंत जी, यू नो, यू मन से राज ठाकरे साहब कंटिन्यूसली पूरे देश को बोल रहे थे, महाराष्ट्र को बोल रहे थे कि फरवरी के बाद अकाल का एक प्रॉब्लम है, पानी की समस्या होने वाले पूरे महाराष्ट्र में, स्पेशली मराठवाड़ा, विदर्भ और ऐसे जगह पर जहां पानी की समस्या है. नाउ दैट हैज रियली टेकन अ बिग टोल. नाउ आज ये है कि पानी है ही नहीं कहीं पर. रूरल एरिया देयर इज नो वाटर एट ऑल, इवन इन मुंबई प्रदीप जी, वी आर डाउन टू लेस देन 10%. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट, सुना है, हैज द गवर्नमेंट रियली एक्टेड, हैज द गवर्नमेंट टेकन अ करेक्ट स्टैंड, वेयर आर वी राइट नाउ हेमंत जी? बिकॉज सबसे पहले आवाज मन से और राज ठाकरे साहब ने उठाया था कि फरवरी के बाद ये तकलीफ होने वाले, अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई खत्म होने आया है. हैव वी एक्टेड ऑन दैट? देखिए प्रदीप जी, राजीव जी, कैसे है ना कि हम पॉलिटिक्स में है या सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्हें शाश्वत काम करना चाहिए, उनको मतलब कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए. आप मतलब जब पानी की किल्लत होती है तब आप अगर टैंकर पहुंचाते हो तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ. आपको जो काम करना है कि आने वाले अगले 20, 30, 40 साल में जो प्रॉब्लम्स होनी है और होने वाली है, इसके लिए जो सॉल्यूशन निकालना है उस पर काम करना पड़ेगा. ये टैंकर आप कहाँ तक पहुंचाओगे और टैंकर को पानी कहाँ से आएगा? जब पानी की किल्लत पूरे महाराष्ट्र में है तो आप पानी, ये टैंकर का पानी कहाँ से आ रहा था? ये तो मेरा सवाल आपने पिछली बार जो वसई विरार में जो हुआ था तभी मैंने पूछा था कि अगर पानी की किल्लत है, टैंकर से पानी अगर आप वहां पर पहुंचा रहे हो तो ये पानी आता कहाँ से, ये पानी की क्वालिटी क्या है? और अगर वो पानी ठीक है तो वही पानी पाइप्स में आ सकता है, वाटर सप्लाई में आ सकता है. अगर अगर टैंकर्स के लिए पानी अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो सबके लिए होना चाहिए ना सर? देखिए कैसे ना, इस कंट्री हमारी आजादी के बाद जो पहले भाखरा नांगल बना तो तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक प्रपोजल रखा था कि नदी जोड़ो, जिसको अटल जी ने भी उसको प्रपोज किया था, उसको आगे बढ़ाया था. लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरह की राजनीति पिछले 20-25 सालों से हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव कामों से कम ये भावना प्रधान मुद्दे जो होते हैं, इमोशनल जो पॉइंट्स होते हैं या मुद्दे होते हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है. तो मुझे लगता है वोटर्स हो या जनता हो, इनको मैच्योरली अब सोचना पड़ेगा कि भाई हम किन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे. हमने आपके सामने एज अ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं रिप्रेजेंटेटिव, आपके सामने हमने महाराष्ट्र का पूरा विकास आराखड़ा रखा था, डेवलपमेंट प्लान रखा था.
तो ये प्लान आपको पसंद नहीं आया, लेकिन लोगों की जो इमोशनल बातें वो पसंद आती है, तो उसके फल भुगतने पड़ेंगे। सो वोटर शुड थिंक पॉजिटिवली एंड उसको ठीक तरह से उनको सोचना पड़ेगा। अभी सर, as we have discussed so many times, finally you will get exactly what you vote for. You're not going to get anything else. Whatever you vote for, you're going to get. Now over here, I would like to ask you this. Now that the results are going to be out on the 4th of June, 4 June ko bhai parinam aa jayenge. Uske baad kya Maharashtra Navnirman Sena ki jo sabse mujhe aise lagta hai ahem campaign Vasai Virar mein piped water ki jo campaign hai, kya wo dobara shuru hogi sir? हेमंत कामले जी, कैसे है ना राजीव जी, हमारी कोई भी जो कैंपेन होती है या मूवमेंट होती है वो कभी स्टॉप नहीं होती है जी। आप देखिए कि 2012 में हमने शुरू की थी टोल की जो मूवमेंट, वो अब तक रुकी नहीं है जी। देखिए कैसे ना, लोग हमें सवाल पूछते हैं कि टोल का क्या हुआ, लेकिन जब हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, लेकिन हम आवाज उठाते रहते, हम कोर्ट में जाते हैं, हम रास्ते पर उतर कर उसके लिए आंदोलन करते, तो इसका जो भी इसके लिए जो सवाल पूछने, तो जो जो पार्टियां पावर में आई और जिन्होंने तब तक लोगों को आश्वासित किया था कि हम अगर पावर में आते हैं तो टोल बंद करेंगे, वैसे ही जो बुनियादी जरूरतें हैं, किसानों के प्रॉब्लम्स है, पानी की किल्लत है, रोजगार के प्रॉब्लम है, ये जिनके जिनके आप मैनिफेस्टो जिन्होंने दिए अभी आपको कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो इनको सवाल पूछने चाहिए जनता ने कि आपने ये हमें आश्वासित किया था कि हम ये देंगे, तो आप दे क्यों नहीं रहे? फिर वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, या फिर आप हो, आम आदमी पार्टी की हो, या तृणमूल कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, आप जो जो मैनिफेस्टो में आप लोगों को आश्वासित करते हो वोट के लिए, तो वो आपको पूरा करना है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कौन सी पार्टी दिखाएगी जिनके पास प्लानिंग है? आप अभी वोट मांगने गए 2024 से 29 के लिए, ये टेन्योर के लिए, तो कौन सी पार्टी के पास प्लान रेडी है कि हमें ये 5 साल के लिए हम रोजगार के लिए, ये 2 साल में ये काम करेंगे और ये किसानों के प्रॉब्लम के लिए ये काम करेंगे? कोई प्रॉब्लम उनके पास कोई प्लान नहीं है, बस इलेक्शन लड़नी है, इलेक्शन जीतनी है, फिर पैसे बांट कर जीतनी है, कैसे आप साम दाम दंड भेद पूरी तरह यूज करो, और एक बार आप पावर में आते हो फिर आपकी मनमानी करनी है। इसी तरह से अगर राजनीति चलनी है तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों में भी इस देश का कुछ नहीं होगा। हेमंत जी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लगातार इंडिया अलायंस सब लीडर्स, पवार शरद पवार साहब से लेके राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तेजस्वी यादव सबका कहना है लोकतंत्र खतरे में, संविधान सब का, आपको महसूस हो रहा कि संविधान खतरे में है? आज बीजेपी अमेंड करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाले 400 प्लस इसलिए मांग रहे, यू नो इवन टू लास्ट डे राहुल गांधी जी, एवरीबॉडी इन द इंडिया अलायंस हैज बीन सेइंग द संविधान खतरे में। हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में? नहीं, बार बार मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई संविधान बना है 1950 में और अब देखिए कितने साल गए, 74 साल तो हो गए, तो इतने सालों में बहुत बार अमेंडमेंट हुई उसमें, क्योंकि जो परिस्थितियों में संविधान बना था और अभी जो परिस्थितियां हैं, तो बहुत बार इसमें अमेंडमेंट कांग्रेस ने भी की है, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बार की है, फिर बीजेपी गवर्नमेंट के, फिर बीच वाली जो तीसरी आघाड़ी की जो सरकार उन्होंने भी की है, तो जब जब कुछ जरूरत होती तो, लेकिन संविधान पूरी तरह बदलना ये किसी के बस की बात नहीं है, फिर बीजेपी चाहे 400 पार जाए या और कुछ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी को कि संविधान पूरी तरह बदल दे। देखिए संविधान के कुछ मुद्दे हैं ऐसे जिन्हें हमें अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि कुछ बातें ऐसी है कि जो आज से 60-70 साल पहले अलग थी और अब अलग है, तो मुझे लगता है कि संविधान खतरे में है। इस तरह की इमोशनल कोड देकर जो मतदाताओं को जिस तरह से मिसगाइड किया जाता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जाता है, ये दोनों बातें जो है ये इनके चुनावी जुमले होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वोटर्स को उतना जो प्रगल्भता से इसका जवाब देना पड़ेगा वोट बैंक से। वैसे भी सर 106 बार तो अमेंड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 106 टाइम्स, इसमें क्या? हाँ, तो वही तो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले आई एग्री
अमेंडमेंट इतनी बार हो चुकी है और उसके बाद अगर कुछ मुद्दों पर अमेंडमेंट होती है तो मुझे लगता है उसके लिए इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को लेकर के बहुत हो हल्ला है हर जगह पे कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो आपकी रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो इज दैट आई ये स्तर जो है डिबेट का, आई थिंक इट हैज कम डाउन अ लिटिल बिट वेरी फ्रैंकली बिकॉज ऑन बोथ साइड्स ये जरा हास्यास्पद है। नहीं ये दोनों इंडिया गाड़ी हो या एनडी हो, ये दोनों ने पिछले कुछ महीनों में या सालों में जिस तरह से राजनीति का स्तर नीचे लेके आए, तो मुझे लगता है कि आने वाले पीढ़ियां जो है वो पॉलिटिक्स को किस नजर से देखेंगी, ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात है। क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बुनियादी मुद्दे हमारे क्या है, रोजगार बुनियादी मुद्दा क्या है हमारा, किसानों के लिए सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा या कुल किसानों के लिए जो स्कीम्स चाहिए, या महिला सुरक्षा का हमारा ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेडिकल एड आरोग्य व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन सब बातों को छोड़कर हम किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? इन पॉलिटिकल पार्टियां, जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां के उनके अगर प्रवक्ता, उनके नेता अगर मोदी जी को पुरी के जगन्नाथ से बड़ा मानते हैं या उनके भक्त बोलते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं को और प्रवक्ताओं को समझाना पड़ेगा कि इतना अहंकार ये ठीक नहीं होगा। जी करेक्ट। तो यहां पर एक चीज आई नो दिस इज अ सब्जेक्ट क्लोज टू योर हार्ट, जी कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज गो अहेड, फिनिश कुछ बोल रहे थे आप। नहीं मैं यही कहता हूं, और इंडिया अघाड़ी के बीच जो लोग हैं इनको भी इमोशनल कोर्स देने से पहले चार बार सोचना पड़ेगा कि भाई कल आज ये कैसे है, सर्कल है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है अगली बार दूसरी सरकार आएगी तो आप जो बोलते हो इतना संभल के बोलिए कि भाई जो आप बोलते हो, जो आप प्रॉमिस करते हो वो फुलफिल होने वाला है तो ही बात करें, नहीं तो फिर आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है इट वॉज चुनावी जुमला। तो यहां पर आपके आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आई नो दिस इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वेरी क्लोज टू यू सर, इन दिस एंटायर इलेक्शन, पूरी जो इलेक्शन कैंपेन रही हर जगह पूरे देश में, देश का कोई भी कोना ले लो, जम्मू एंड कश्मीर ले लो, तमिलनाडु ले लो, केरल ले लो, महाराष्ट्र ले लो, हर जगह ले लो सर, जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में हमारे सामने है वो है जबरदस्त हीट वेव का। सर दिल्ली में 53 डिग्री 54 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आज तक कभी दिल्ली में टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचा, एवर सिंस टेम्परेचर्स हैव बीन स्टार्टेड टू बी रिकॉर्डेड सिंस 1832 आज तक कभी इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा है। What are we doing? We are destroying our natural cover. We are destroying our tree cover. मराठवाड़ा में आपके साथ मेरा डिस्कशन हुआ है, यहीं पर बैठ करके प्रदीप जी और मेरा आपके साथ कितनी बार यहाँ पे डिस्कशन हुआ है सर, 300 मीटर नीचे चला गया वाटर टेबल। विदर्भ में देर इज नो वाटर। What are we doing? So why is it that political parties don't talk about this? Just अभी sir, 13 home guards have died. You know, 13 people have died in Mirzapur, Uttar Pradesh, because of heat stroke. Seven are home guards. My God, if you're looking at how our personals are working out there in the field, especially in elections. सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज की तारीख में हमारी lakes जो हैं मुंबई के आसपास that supply water to us, sir, 10% पानी बचा है बस। तो हेमंत कामले साहब इस विषय के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? I know you are involved with River March. What are we doing? Please. Rajiv ji, I have deep concern for the environment issues, and we have so many times discussed these type of issues in your debate. Yes, right? Yes, we have. See, the problem is when we got the independence, our rural population was 80%, almost 80%. Yes. क्योंकि urbanization इतना हुआ नहीं था। आज की तारीख में करीबन 65 to 70% जो है 60% तक जो आबादी है हमारी रूरल में है, लेकिन हमारे जो सोचने का तरीका हो जो है वो इतना बदल चुका है कि हम कंक्रीट को प्रोग्रेस समझने लगे, कंक्रीट को हम प्रोग्रेस समझने लगे। इसकी वजह से आप देखिए, मैं कोंकण में अभी एक दिन पहले ही आया हूँ, पूरा कोंकण जो है मुझे कंक्रीट के रोड दिख रहे, और वहां पर भी हीट वेव इतनी, हमारा कोंकण इतना हरा भरा है लेकिन वहां पर भी इतनी हीट है, वहां पर भी 40-42। नागपुर में देखिए 10 से 12 लोग अभी मर गए हैं,
पिछले 2-3 दिन हुए जी, जरा 50 प्लस अगर वहां पर टेम्परेचर था, आपने दिल्ली में 53 बताया, ये जो है पॉलिटिशियंस, ऑल द पॉलिटिशियन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी शुड थिंक अबाउट इट। आपको जो झगड़े करने, मंदिर से मंदिर पे लड़ना है, मस्जिद पे लड़ना है, सब लड़ो, लेकिन ये बुनियादी मुद्दे हैं, इस पर आप काम नहीं करोगे लॉन्ग टर्म पर, तो ना आप मंदिर के लिए लड़ने के लिए रहोगे, ना तो मस्जिद के लिए लड़ने के लिए रहोगे। ये एनवायरमेंट का जो मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग का, इसके ऊपर हमारे यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता है। ये मुझे बहुत दुख देता है, बहुत मुझे पीड़ा देता है कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा, कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हो रहा। हम यहाँ पर समृद्धि मार्ग जो बनाया हमने करीबन 750 किलोमीटर का, कोंकण मुंबई गोवा कोंकण हाईवे का कितना है, करीबन 450-600 किलोमीटर। अब दोनों साइड में पेड़ नहीं लगा सकते, कोई प्लांटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। मैं देख के आया हूं, अभी एक दिन पहले आया हूं मैं। सर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल। हर्बर्ट बेकर प्लान्ड आउट व्हाट इज कॉल्ड द लटियंस बंगलो जोन। I am very familiar with it because I was one of the people responsible for marking out the LBZ in Delhi. I was born there, by the way. That's where I grew up. Sir, planning mein jo original papers hain Herbert Baker aur Sir Edwin Lutyens ke, usme aap dekhiye, clear cut kaha gaya hai, ye pavement hogi, uske saath mein ye wala flower bed hoga, usme ye paude lagaye jayenge aur saath mein jamun ke ped honge, नीम के पेड़ होंगे, अशोका ट्रीज होंगे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग फॉर न्यू दिल्ली। इफ दे कुड डू इट एट दैट टाइम, व्हाई कांट वी डू इट नाउ? इसलिए जब आप सबर्बन दिल्ली से न्यू दिल्ली में आते हैं, देयर इज एन इमीडिएट ड्रॉप इन टेम्परेचर बाय अबाउट 2.5 डिग्रीज। जी एग्रीड, एग्रीड। मुझे लगता है ना कि ये टॉपिक पर हमें ये 4 जून का ये मसला, ये जो रिजल्ट्स है वो नहीं दीजिए। मैं खुद राज साहब से ये टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मतलब ये पिछले 15-20 दिनों से जो हीटवेव चल रही है जी, मैं रियली आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। और आपको पता है कि रिवर बार से मैं ताल्लुक रखता हूँ जी, जी। या फिर एनवायरमेंट से ताल्लुक रखता हूँ। आज मुंबई में जो एंटी पोल्यूशन कंट्रोल पैनल जो लगे हैं, उसकी पूरी जो उसके लिए जो ये की थी, पहल की थी, तो मैंने की थी। आज लगे हैं जहां पर हमें पोल्यूशन पता चलता है। आज क्या हो रहा है, डोंबिवली में आगजनी हो गई। क्या प्लानिंग नहीं, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर रिहायशी इलाके में आपके MIDCs है, तो MIDCs के बाजू में रिहायशी एरिया आता कैसे है, सबसे पहली बात जी। अब वहां पर शिंदे जी कहते हैं कि भाई ये जितने भी डेंजरस कारखाने जो फैक्ट्रीज है उसको हटाया जाएगा, आगे बदलापुर या उस साइड लेके जाएंगे। तो आपके पास पॉलिसीज नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ के पॉलिटिशियंस का ये है कि दे हैव नो कंसर्न अबाउट द महाराष्ट्र। हेमंत कामने साहब, उन्हें महाराष्ट्र की कुछ पढ़ी नहीं है, इनको महाराष्ट्र के ना भूगोल से, ज्योग्राफी से कुछ पढ़ी है, ना एनवायरमेंट से पढ़ी है, किसी से नहीं, ना संस्कृति से पढ़े, ना अस्मिता से, कुछ नहीं पढ़ा। हेमंत कामने साहब, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, जस्ट इमेजिन, अगर मुंबई के जो हमारी 4 नदियां हैं, अगर असल में वो वापस नदी में तब्दील हो जाएं, अगर वास्तविकता में उनके आसपास देर शुड बी अ लाइन ऑफ ट्रीज ऑल अराउंड देम, कैन यू इमेजिन मुंबई कितना बड़ा स्वर्ग बन जाएगा? सर, कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? Sir, we presented this to Mr. Ajay Mehta, then Municipal Commissioner. The great Ajay Mehta. हमने पोइसर, yes, ये पोइसर रिवर का हमने कुछ ये किया था, प्लानिंग किया था। वहाँ के हमारे यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे मिस्टर गायकवाड़, बहुत अच्छा काम किया था हमने। उसकी पूरी हमने वीडियोग्राफी की है, सब कुछ किया है, बहुत अच्छा प्लानिंग था। काम भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि पॉलिटिकल व्हील जब तक नहीं होती है, जो पॉलिटिकल व्हील हमने नासिक में दिखाई, जो हमने गोदा पार्क बनाया, जो हमने बटरफ्लाई गार्डन बनाया, तो ये सब जो व्हील पावर होती है ना पॉलिटिशियंस की, एक कंस्ट्रक्टिव काम करने की, वो व्हील पावर नहीं है। कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या फिर शिवसेना को हो, या फिर NCP के हो, कांग्रेस को, ये सब जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि ये पिछले 30-35-40 सालों से तो यही आ रहे हैं,
पलट पलट कर सत्ता दे। दुरुस्त बात, तो इनको कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा और इनको कहीं ना कहीं इस बारे में प्लानिंग करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, हेमंत कामले साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, एंड आई होप टू गॉड दैट दिस टाइम राउंड इन द असेंबली इलेक्शंस एंड इन द कॉर्पोरेशन इलेक्शंस यू विल टेक अप, यू विल मेक एनवायरमेंट अ मेजर इशू। आई होप इट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय मातर, जय शिवाजी, बाय, थैंक यू। But at least you have one party which is willing to talk about the environment. Sir, Himman ji वगैरह committed लोग हैं. They have worked on the field, on the ground to save the environment. They have worked for the rivers. They have worked for all these things. If you ask him the cost of roads, he will tell you right from 10 years में क्या-क्या हो रहा है. With cost per kilometer cost ना, ऐसे knowledgeable person whose hands-on experience on working for the people. I mean, they need to get an opportunity now. It's high time because it's high time. लोग तो सोचते हैं, as I said, we have spent thousands of crores on this sewer gutter which flows right next to us. It's called the Mithi River. It should have been converted and transformed into a river way, way back. Way back. 10 years ago. And till now, nothing has happened. And if we continue like this, I can tell you, यहाँ पर आप 10 STP प्लांट लगा दीजिए, sewage treatment प्लांट लगा दीजिए, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। I'm more concerned when you said that, you know, city having bad rivers or dead rivers, poisonous rivers will only spread poison, will only make the city dead. I'm worried for Mumbai, we all worried for Mumbai and hope this rivers are at least clear. Sir, लोग इतनी गालियां देते हैं आज की तारीख में, एक फैशन सा बन गया है मुगलों को गालियां देने का। मैं आपको बताऊं, मुगलिया शासन के दौरान एक अकबरी फरमान है कि मैला और अमृत मिक्स नहीं होंगे, यानी स्वेज आपकी कभी भी नदी में नहीं जा सकती, और अगर गलती से चली गई, जिसने भी की, उसको वहीं फांसी पर लटका दिया जाए। दिस हैपेंड ओनली आफ्टर द ब्रिटिश केम एंड द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ वाराणसी इन 1936 अलाउड अ ह्यूज सुअर टू ड्रेन आउट इट्स टॉक्सिक कंटेंट्स इनटू द गंगा। आपको मालूम है, बादशाह अकबर का खाना सिर्फ गंगा जल में बनता था, गंगा जल में। नाउ पीपल वोंट टॉक अबाउट इट, एनी इवेंट, आई डोंट वांट टू गेट स्टार्टेड ऑफ इन दिस, आई विल नेवर स्टॉप।